नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। राजधानी में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हुए एक साल होने को है। इस बीच कमिश्नरेट के सभी थानों को नई पहचान देने के लिए एक जैसे रंग में रंगा जा रहा है। पूरी बिल्डिंग का रंग लाइट ग्रे और इसके बॉर्डर रेड ब्रिक कलर के होंगे। सभी थानों पर एक जैसे बोर्ड और पुलिस कमिश्नरेट का मोनो भी लगाया जा रहा है। थानों में इन दिनों रिनोवेशन एवं पुताई का काम चल रहा है। इसे 9 दिसंबर पुलिस कमिश्नरेट के एक साल पूरे होने तक पूरा करना है। बता दें कि भोपाल पुलिस कमिश्नरी को मॉडर्न बनाने में जुटी है। इन दिनों पुलिस इमोशनल क्लासेस भी चला रही है। इसमें पीड़ित से किस तरह व्यवहार किया जाए और थाने में किस तरह रहा जाए, इन सबकी ट्रेनिंग दी जा रही है। डीसीपी हेडक्वार्टर विनीत कपूर का कहना है, राजधानी में पुलिस कमिश्नरेट में 38 थाने हैं। इनमें महिला थाना, एजेके थाना, ट्रैफिक थाना और क्राइम ब्रांच थाना शामिल है। कमिश्नरेट के थानों को अलग पहचान देने के लिए ही सभी थानों का एक जैसा रंग तय किया गया है। थानों की बिल्डिंग पर एक जैसे जो पुलिस कमिश्नरेट का मोनो भी लगाया जाएगा। थानों की साज सज्जा और पुताई के बाद डीसीपी ऑफिस के रंग तय किए जाएंगे। इसके लिए मुख्यालय से बजट मंजूर हुआ है। जिन थानों में एसीपी के ऑफिस हैं, वहां अतिरिक्त रूम भी तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें एसीपी की व्यवस्थित कोर्ट संचालित हो सके। न्यूज 69 के लिए भोपाल से आदिल खान की रिपोर्ट। आरक्षक, सब इंस्पेक्टर और थाना स्टाफ जो भी है, जो भी पब्लिक से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, उनके लिए इमोशनल इंटेलिजेंस की क्लासेस कराई जा रही हैं, इमोशनल वेलनेस की क्लासेस कराई जा रही हैं। जो ये इमोशनल वेलबींग और इमोशनल इंटेलिजेंस की क्लासेस होती हैं, ये निश्चित रूप से संवाद कौशल को भी बेहतर बनाने में प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप से प्रभावित करती हैं। तो अभी हम लोग लगातार चरणबद्ध तरीके से पूरे भोपाल पुलिस को इस ओर अग्रसर कर रहे हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट और एंगर मैनेजमेंट, इन दोनों चीज़ों पर भी प्रभावी रूप से प्रशिक्षित कर रहे हैं, ताकि वे अपने तनाव को दूर कर सकें। और तनाव ग्रसित होने पर कई बार चिड़चिड़ापन या जो है खराब भाषा का उपयोग एक बड़ी प्रचलित कार्यप्रणाली का हिस्सा बन चुका है। पुलिस की बदनामी भी इससे होती है, तो उसको दूर करने के लिए इमोशनल वेलबींग पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और साथ में कम्युनिकेशन स्किल्स को भी बेहतर किया जा रहा है। तो सॉफ्ट स्किल्स जिसे हम बोलते हैं पुलिस में, उसको बेहतर करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ साथ कैसी है आपकी पुलिस योजना व अन्य योजनाओं को भी प्रभावी बनाया जा रहा है, ताकि ये इसको कंट्रोल करने में मदद करे। आरक्षक, सब इंस्पेक्टर और थाना स्टाफ जो भी है, जो भी पब्लिक से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहता है, उनके लिए इमोशनल इंटेलिजेंस की क्लासेस कराई जा रही हैं, इमोशनल वेलनेस की क्लासेस कराई जा रही हैं। जो ये इमोशनल वेलबींग और इमोशनल इंटेलिजेंस की क्लासेस होती हैं, ये निश्चित रूप से संवाद कौशल को भी बेहतर बनाने में प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप से प्रभावित करती हैं। तो अभी हम लोग लगातार चरणबद्ध तरीके से पूरे भोपाल पुलिस को इस ओर अग्रसर कर रहे हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट और एंगर मैनेजमेंट, इन दोनों चीज़ों पर भी प्रभावी रूप से प्रशिक्षित कर रहे हैं, ताकि वे अपने तनाव को दूर कर सकें। और तनाव ग्रसित होने पर कई बार चिड़चिड़ापन या जो है खराब भाषा का उपयोग एक बड़ी प्रचलित कार्यप्रणाली का हिस्सा बन चुका है। पुलिस की बदनामी भी इससे होती है, तो उसको दूर करने के लिए इमोशनल वेलबींग पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और साथ में कम्युनिकेशन स्किल्स को भी बेहतर किया जा रहा है। तो सॉफ्ट स्किल्स जिसे हम बोलते हैं पुलिस में, उसको बेहतर करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ साथ कैसी है आपकी पुलिस योजना व अन्य योजनाओं को भी प्रभावी बनाया जा रहा है, ताकि ये इसको कंट्रोल करने में मदद करे। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।